लेट्स टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ऑफ एक्साइज टेन ए दैट इज रेशो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ अ फील्ड टू इट्स विड्थ लेंथ फील्ड की और विड्थ की जो रेशियो है वो हमें फाइव इज टू थ्री दे रखी है फाइंड इट्स लेंथ हमें लेंथ निकालनी है इफ इट्स विथ अगर उसकी फोर्टी टू मीटर है तो हमें रेशो कितनी दे रखी है रेशो ऑफ लेंथ टू इट्स विथ्थ दे रखी है हमें फाइव इज टू थ्री राइट और हमें विड्थ कितनी दे रखी है विड्थ की लेंथ दे रखी है दैट इज फोर्टी टू मीटर राइट अब हम कैसे निकालेंगे देखिए अब हम पहले सम ऑफ रेशोज निकालेंगे सम ऑफ रेशो आ गई हमारी दैट इज फाइव प्लस थ्री दट इज एट आ गई अब हम कैसे निकालेंगे देखिए अब width कैसे निकालेंगे? Width की length, width equals to width का रेशियो जो कि थ्री है बाद वाला तो थ्री अपॉन टोटल टोटल कितना है सम ऑफ रेशियो एट एट इंटू टोटल डायमेज अब टोटल डायमेज क्या है देखिए टोटल टोटल डायमेंशन इनटू टोटल डायमेंशन टोटल डायमेंशन किसे कहेंगे इसको हमने लेंथ प्लस वेथ को माना है जिसको हमने एक्स माना है राइट right? हम, हमें वेट तो पता है लेंथ कैसे पता चलेगी अगर हमें टोटल डायमेंशन पता चल जाए तो लेट द टोटल डायमेंशन बी एक्स तो एक्स मान लिया अब हमें वेट हमें पता है फोर्टी दे रखी है देखिए फिर से बता रही हूं यहां पे टोटल टोटल डायमेंशन लिखनी थी टोटल डायमेंशन को हमने x मान लिया अब टोटल डायमेंशन क्या है लेंथ प्लस वृथ्थ को जोड़ के जो वैल्यू आती है वो हमारी टोटल डायमेंशन है अब ये निकालना क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक ये नहीं निकलेगी कि लेंथ प्लस ब्रेथ मिला के कितनी है तब तक हम लेंथ नहीं निकाल सकते हम इसे विथ्थ पता है तो इसलिए हमने उसको एक्स मान लिया है यहां मैंने इलेबोरेट करके बताया कि मैंने टोटल डायमेंशन का मतलब लेंथ प्लस वृथ राइट right? तो इक्वल्स टू थ्री अपॉन एट एज इट इज इनटू एक्स अब देखिए वेरिएबल अपनी जगह रहा फोर्टी टू अपनी जगह रहा अब एट यहां पे डिवाइड में था तो इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया और थ्री नीचे आ जाएगा डिवाइड में तो ये आ गया थ्री वन जो थ्री थ्री फोर जो तो एक्स कितना आ गया फोर्टीन इंटू दैट इज फोर्टीन एजेस हंड्रेड एंड मीटर ये हमारी आ गई टोटल डायमेंशन देखिए एक्स हमने टोटल डायमेंशन को माना था तो ये आ गई हमारी हंड्रेड एंड ट्वेल्व मीटर अब हमें टोटल डायमेंशन पता चल गई है तो हम लेंथ ईजिली निकाल सकते हैं लेंथ कैसे निकालेंगे देखिए लेंथ का रेशियो जो कि फाइव था अपॉन टोटल जो कि एट था इन टू एक्स एक्स जो टोटल डायमेंशन था फाइव अपॉन एट इंटू एक्स एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई थी वन वन टू राइट सेम है फॉर्मूला अगर आप देखेंगे सिर्फ जैसे कि यहाँ पे वेथ का रेशियो लिखा हुआ था वैसी हमने लेंथ का रेशियो लिख दिया है जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं बिल्कुल सेम वैसे ही है आप देखिए एट वन झा एट एट वन जा एट एट फोर जटी टू अब फाइव इंटू फोर्टीन कितना हो गया फोर्टीन फाइव जेवेंटी मीटर आ गई हमारी लेंथ हमें लेंथ ही निकालनी थी तो दिस इज द आंसर लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 15th ऑफ एक्सरसाइज टेन ए दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज द रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग फैमिली इज इलेवन इज टू टू वो कह रहा है कि जो इनकम और सेविंग की रेशियो है वो इलेवन टू टू है फाइंड द एक्सपेंडिचर इफ द सेविंग इज रुपीज फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज़ हमें एक्सपेंडिचर निकालें अगर उसकी सेविंग फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज़ है तो हम लिख लेते हैं हमारी सेविंग कितनी दे रखी है सेविंग दे रखी है फिफ्टीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज़ और हमें रेशो दे रखा है रेशो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर इनकम टू सॉरी इनकम टू सेविंग दे रखा है ट इज इलेवन एज टू टू और हमें एक्सपेंडिचर निकालना है तो अगर आपको याद हो हमने पहले भी पढ़ा है कि इनकम कैसे निकलती है इनकम हमारी कब बनती है हम अपने एक्सपेंसेस प्लस सेविंग करते हैं right? राइट जो हमने खर्चे किए प्लस सेविंग या हम कह सकते हैं सेव सेविंग माइनस करने इनकम में से तो हमारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे बात एक ही है तो इसका मतलब टोटल क्या है हमारी इनकम है तो इनकम की रेशियो कितनी है इलेवन है राइट तो हम जो सम करते थे वो करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे यहाँ पे वो टोटल जो है वो इनकम का है वो जो सम करते थे वो हम तब करते थे जब कोई भी चीज उस एक चीज दूसरे के अंदर इन्वॉल्व नहीं थी अब यहाँ देखें तो यहां इनकम के अंदर इस इनकम के अंदर सेविंग है राइट तो उसकी रेशो के अंदर भी इंक्लूडेड है तो हमारा टोटल कितना आएगा इलेवन आ गया राइट right? तो हमारी टोटल सम ऑफ रेशो कहें तो वो कितनी आ गई दैट इज इलेवन राइट तो एक बार और समझा देती हूँ क्योंकि सेविंग हमारी इनकम में इंक्लूड होती है तो जो इनकम की रेशो है वही हमारी टोटल है हमें उसको ऐड करने की इन दोनों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अगर हमारा एक्सपेंडिचर टू सेविंग होता तो हम ऐड करते लेकिन यहाँ पे इनकम टू सेविंग की रेशो दे रखी है तो जो इनकम में सेविंग इंक्लूड होती है तो इसलिए जो उस, इनकम की रेशो है वही हमारी सम ऑफ रेशो है अब हमें क्या निकालना है सेविंग दे रखी है तो हमें सेविंग का पार्ट लेके चलेंगे तो सेविंग सेविंग कैसे निकालेंगे सेविंग की रेशियो कितनी है टू और हम, हमारी सम ऑफ रेशियो कितनी है इलेवन एंड टू हम किसकी निकालेंगे ये चीज टोटल इनकम की टोटल इनकम देखिए हम जब भी सेविंग कैलकुलेट करते हैं और हमें रेशो दे रखी होती है तो हम अपनी इनकम पे ही निकालते हैं टोटल इनकम पे तो उसी के थ्रू मैं इसको निकाल रही हूँ तो सेविंग हमारी कितनी दे रखी है फिफ्टीन ट्वेंटी इक्वल्स टू टू अपॉन एलेवन इन टू टोटल इनकम को टी आई लिख रही हूँ तो अब देखिए ये इधर चला गया मल्टीप्लाई में और टू डिवाइड में आ गया तो वन फाइव टू जीरो इंटू इलेवन अपॉन टू इक्वल्स टू टोटल इनकम हो गई राइट तो ये कितना आ गया टू वन जो टू टू सेवन जो फोर्टीन टू सिक्स जो ट्वेल्व वन जीरो तो टोटल इनकम कितनी आ गई सेवन सिक्सटी इंटू इलेवन तो जीरो एज इट इज आ गया 11 सिक्स जो सिक्सटी सिक्स सिक्स कैरी एलेवन सेवन 77, सेवेंटी सेवन 80, एट 82 नाइन एट्टी एट्टी वन एट्टी टू एंड एट्टी थ्री तो हमारी इनकम आ गई कितनी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी रुपीज़ की हमारी इनकम आ गई और हमें सेविंग पता चल गई थी वन फाइव टू जीरो तो अब हमें एक्सपेंसेस निकालने कैसे निकालेंगे देखिए ये फॉर्मूला मैंने लिखा था तो इसी फॉर्मूले को लिख लेंगे इनकम इक्वल्स टू इनकम कैसे होती है एक्सपेंसेस जो किए प्लस सेविंग जो की उन दोनों को मिला के हमारी इनकम बैठती है अब इनकम हमारी निकल के आई एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी रुपीज और हमें एक्सपेंडिचर निकाल लें तो एक्सपेंसेस कहीं एक्सपेंडिचर कहीं बात एक ही है और हमारी सेविंग थी वन फाइव टू जीरो तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा देखिए अब हम एट थ्री सिक्स जीरो अपनी जगह लिखेंगे एट थ्री सिक्स ज़ीरो और एक्सपेंसेस ये इधर आ जाएंगे तो प्लस के माइनस हो गया वन फाइव टू ज़ीरो तो ये कितना आ गया जीरो एज इट इज सिक्स में से टू गया फोर थर्टीन में से फाइव गया इज एट सेवन में से वन गया इज सिक्स तो हमारे एक्सपेंडिचर आ गए सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी रुपीज इज द आंसर देखिए फिर से क्योंकि इसमें इनकम में इंक्लूड था इसलिए सम ऑफ रेशो बस यहाँ पे यही ट्विस्ट है आप चाहें तो इसको एक और मेथड से कर सकते हैं और आंसर सेम ही आएगी क्योंकि हमारे सेविंग हमें वन फाइव टू जीरो रुपीज दे रखी थी और हमारी रेशो रेशो कितनी दे रखी थी इनकम टू सेविंग इनकम टू सेविंग हमारी रेशियो इलेवन एस टू टू दे रखी थी राइट right? तो हम लेट कर लेते हैं लेट द इनकम इनकम को हम इलेवन एक्स मान लेते हैं एक्स और सेविंग को हम टू एक्स मान लेते हैं अब हमें दे रखी थी सेविंग सेविंग कैसे निकालेंगे सेविंग इक्वल्स टू कितनी आएगी हमें हमारी दे रखी थी वन फाइव टू जीरो सेविंग हमारी थी टू एक्स देखिए सेविंग हमने टू एक्स मानी लेकिन ये दे कितनी रखी थी फाइव टू जीरो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई वन फाइव टू जीरो अपॉन टू आ गई क्योंकि यहां पे टू मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड का आ गया तो टू वन जर टू टू सेवन जर फोर्टीन टू सिक्स टूल्व एन जीरो की वैल्यू आ गई सेवन सिक्सटी अब x आ गया तो हमारी इनकम पता चल जाएगी इनकम इनकम हमने कितनी मानी थी देखिए इनकम हमने इलेवन एक्स मानी थी हमने यहाँ पे इलेवन एक्स इसको इलेवन एक्स क्योंकि पहला इनकम था इसलिए इलेवन एक्स दूसरा सेविंग था इसलिए टू एक्स अब जो दिया हुआ था उसके नीचे उसकी वैल्यूज रख दी राइट अब इनकम इलेवन एन टू एक्स x की जगह हम 760 लिख देंगे तो ये कितना आ जाएगा जीरो इलेवन सिक्स जो सिक्स कैरी इलेवन सेवन सेवन एट्टी थ्री रुपीज आ गया सेम आ गया इनकम अब एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे देखिए एक्सपेंसेस प्लस सेविंग हमारी इनकम होती थी राइट right? तो एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे सेविंग उधर जाके माइनस हो जाएगी इनकम में से तो सेविंग माइनस कर दी अब इनकम थी हमारी एट थ्री सिक्स जीरो और सेविंग थी वन फाइव टू जीरो तो ये कितनी आ गई रुपीज जीरो इट इज सिक्स में से टू गया फोर थर्टीन में से फाइव गया इज एट एंड सेवन में से वन गया सिक्स तो देखिए यहाँ पे भी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी आया और यहाँ पे भी तो दोनों आंसर करेक्ट हैं कोई सा भी मेथड कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए तो दिस इज द आंसर